फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और जिस पे कि आपको काम और अर्निंग 100% श्योर है। अगर इन वेबसाइट्स पे आप जाके जॉब सर्च करते हैं, प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं, तो 100% आपको जो है जॉब मिलेगी। जो मेन वेबसाइट है जिस पे कि मैंने खुद काम किया हुआ है और जिस पे कि आपको कोई ऐसा कुछ नहीं कि आपका पैसा नहीं दिया जाएगा या आपको जो है आपका पैसा लेके कोई भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे 100% जो है आपको काम मिलेगा। और कई लोग, कई कंपनियाँ इन्हीं वेबसाइट के बेस पे चलती हैं, कई फ्रीलांसर इसी वेबसाइट पे जो है काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। तो उनमें से मैं आपको बताता हूँ जो मेन वेबसाइट है। पहली वेबसाइट है freelancer.com। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जो अपना जो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं उसके साथ कुछ अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए freelancer.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। पेमेंट गारंटेड है इसमें, अगर आप काम करते हैं तो आपको पेमेंट होगी। आपको अपने क्लाइंट से बात करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी आपका डिस्कस होता है, बजट जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है। इसमें फ्रीलांसर का कोई रोल नहीं है, फ्रीलांसर अपने कुछ परसेंटेज पैसे लेता है, बट उसके बाद से जो भी आपका होता है, जो भी आपने प्रोजेक्ट आपको एलोकेट होता है, उसके बाद से आपके क्लाइंट से डायरेक्ट डीलिंग होती है, क्लाइंट से आप बात करते हो, उसको और एक्सटेंड करते हो। इस तरह से एक छोटे से प्रोजेक्ट को आप काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो उसमें। इसमें आपका जो है, जैसे ये देखिए freelancer.com मैंने वेबसाइट खोली हुई है, आप ध्यान से देखिए, ये वो वेबसाइट है जो 100% आपको जो है आपकी इनकम होगी। आप अपने स्किल सेट को सुधार सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो आपको जो है काफ़ी कुछ आपको लर्न करना होता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप पूरी तरह से नहीं जानते, उसमें काफ़ी कुछ आपको सर्च करनी पड़ती है, उसके बेस पे आपको जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको freelancer.com पहली वेबसाइट इसके बारे में बता रहा हूँ, इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपके पास अगर फेसबुक का अकाउंट है तो उससे आप डायरेक्टली जो है लॉगिन कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सीधे लॉगिन विद फेसबुक किया, मेरे फेसबुक अकाउंट से यह रजिस्टर लॉगिन हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन भी थ्रू फेसबुक कर सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पे बेसिकली ये आपका डैशबोर्ड है। आपने क्या करना है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपने फाइंड वर्क पे क्लिक करना है। इसमें आप क्या करना है, आपने जब आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें आप स्किल्स बनाते हैं कि आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग का काम करना चाहते हैं या आप डिज़ाइन का काम, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको, जब आप कहते हो प्रोजेक्ट्स विथ माय स्किल्स, तो आपके पास सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके स्किल के बेस्ड पे जो है यहाँ पे शो होंगे। ये सर्च है एक तरह से, ये देखिए इसमें सारा कुछ दिया होता है। ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो कि पोस्ट किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे आई नीड सम ग्राफिक डिज़ाइन, उसका ये पूरा डिटेल बता रखा है। उसके बाद से ये देखिए इसका प्राइस, ये आपको रुपीज़ में बता रहे हैं कि कितना इसका बजट है इस क्लाइंट का। इसी तरह से सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपको, जो आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है, जैसे नीड हेल्प एडिटिंग होम पेज ऑफ वेबसाइट CSS रियल क्विक, ये है। इसमें ये भी बताते हैं कि भाई कितनी एंट्रीज हो चुकी हैं इसमें। टॉप पे देखिए बिड्स कितनी हैं, स्टार्टेड कब इसको पोस्ट किया गया था, सारा का सारा। अब आपने क्या देखना है कि जल्दी से जल्दी जो भी आपको जॉब सही लगती है उस पे आपने अपनी बिड प्लेस करनी है। जैसे कि ये देखिए, आप सेटअप सुमो प्लगइन इन वर्डप्रेस टू इम्प्रूव लीड जनरेशन, ये है 3,000 रुपये की जॉब है, 5 लोगों ने अभी तक इसमें बिड किया हुआ है। आपने क्या करना है, सीधे अगर आपको इस जॉब पे अप्लाई करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी जॉब्स आती हों, आपको कुछ उसमें सर्च भी करना पड़ेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को सर्च में लगाएं। जैसे सुमो प्लगइन है सिंपल, ये एक जस्ट एक एग्जांपल है वर्डप्रेस की वेबसाइट का। आप कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे अब आते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन है अबाउट द एम्प्लॉयर, ये बता रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयर वेरीफाइड है, मतलब आपके ये फ्रीलांसर ने अपनी वेरीफिकेशन कर रखी है। अब आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, बिड करना है। आपने बिड में आपने उसको बताना है कि भाई आप किस रेट पे, अगर आप कहते हैं कि भाई ये आपको पेमेंट ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपना पेमेंट इसमें ऐड करके बता सकते हैं कि भाई मैं इस पेमेंट पर काम करूँगा मैं। तो इस तरह से जो है यहाँ
यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लेस बिड। इसमें आता है हमेशा स्पॉन्सर्स का कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके बिड सबसे ऊपर रहे, कोई ज़रूरत नहीं आपने सारा फ्री वाला वर्जन लेना है। यहाँ पे आपका प्रपोजल है, प्रपोजल में आपने क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि अबाउट योर सेल्फ, माई नेम इज़ सच एंड सच, माई नेम इज़ दिस, और आई हैव अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी ईयर्स। अगर नहीं भी है तो आपको ये बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई जॉब नहीं देगा उसमें। आपको एंड रिजल्ट अच्छा देना, बट ये है कि जब आपका जॉब एलोकेट हो जाती है तब आप उसके लिए सर्च भी कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको क्लाइंट को अपने बारे में सारा कुछ बताना पड़ेगा, पहले अबाउट योर सेल्फ, फिर अबाउट द प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट से मैं क्या अंडरस्टैंड किया और उसका सोल्यूशन, हाउ यू विल है? और when can you start, ये सारे अलग अलग क्लियरली आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि ये चीज़ें हैं, मैं कब स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे इसको सॉल्व करूँगा। एक बार ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली मेंशन कर देते हैं तो 100% क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि इस बंदे ने मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी पढ़ी है और उसके बाद से उसने जो है अप्लाई किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपने बिड मारने का। ये आप कोई भी, ये तो मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, आप कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उसमें जो है आप इस तरह से आपने बिड प्लेस करनी है। बिड प्लेस करते हो उसके बाद से आपके पास रिस्पॉन्स आता है, आपकी जो है क्लाइंट से बात होती है, आप उसको चैट पे बुला सकते हो, और चैट पे जैसे ये एक चैट है यहाँ पे, उस क्लाइंट को आप चैट पे बुलाइए, चैट कीजिए उसको और क्लियर कीजिए, और आपको जो है ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड हो जाता है। ये तो हो गया आपका freelancer.com। ये एक जो है ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको 100% जॉब मिलेगी। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, आपको जो है अगर आप डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए है। दूसरा guru.com, guru.com बहुत पुरानी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं इतने मेंबर्स वर्ल्ड वाइड है, 30 लाख, इसमें जॉब्स अभी तक ये सारे जेन्युइन है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, गुरु में मैंने बहुत काम किया हुआ है, तो गुरु में भी आपको जो है जॉब प्रॉपरली मिलती है। इसमें दोनों तरह के जॉब होते हैं, आवरली, जिसमें कि आप अपना आवरली रेट देते हो, जो बिड की प्लेसमेंट है सेम जैसे आपने फ्रीलांसर में बताया वैसी गुरु में भी सेम, आपने बिड प्लेस करना है, क्लाइंट आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे चैट होगी, अगर आपको कोई बजट में कोई दिक्कत लगती है, जो आपने शुरू में बिड मारा था आपको लगता है कि वो बिड ठीक नहीं था, तो आप उसको फिर चैट में बता सकते हैं, प्रोजेक्ट एलोकेट कराते हैं, क्लाइंट को अपडेट देते हैं और आपको उससे पेमेंट मिलती है। सिमिलर चीज़ है जो कि आपको इसमें freelancer.com, guru.com, और फिर आता है अपवर्क, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जिसमें कि सबसे ज़्यादा रश है वो है upwork.com। upwork.com में आपका जो है पेमेंट प्रोटेक्शन फुल्ली है। अगर आपने आवरली कोई प्रोजेक्ट लिया है और आपने काम किया हुआ है, अपने क्लाइंट को अपडेट्स भेजा हुआ है, अगर लास्ट में अगर क्लाइंट ये कहता है कि नहीं मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा, या क्लाइंट भागने की कोशिश करता है, तो उस केस में अपवर्क आपकी हेल्प करता है और अपवर्क आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। इसमें अब मैं guru.com और upwork.com और freelancer.com, इन तीनों में अगर मैं कहूँगा तो सबसे ज़्यादा पेमेंट के मामले में ये सेफ है। अगर मैं कहूँगा चीप कौन सा है, तो उस केस में गुरु और freelancer.com, क्योंकि इनका जो परसेंटेज, जो कि आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते, इनका परसेंटेज अपवर्क के परसेंटेज से जस्ट हाफ से भी कम है। ये लोग 8 point something लेते हैं, इस तरह से फ्रीलेंसर भी 8 point something कुछ लेता है, लेकिन अपवर्क लेता है 20%। उस केस में आपको जो है आप जो भी अर्न करते हैं उसका 20% आपको देना पड़ता है, इसमें 8.75 देना पड़ता है और फ्रीलेंसर में भी कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो फीचर प्रोवाइड करे उसकी जो पेमेंट ज़्यादा है। अब जो सिमिलैरिटी है वो तीनों में सिमिलैरिटी यही है कि इसमें क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, आप अपना इसमें अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपने स्किल सेट ऐड करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके बेस पे आपको जॉब मिलता है। ये तीनों सिमिलर वेबसाइट। चौथी वेबसाइट है फाइवर। इस ये भी सेम वेबसाइट ऐसी, इसमें कि आपको 100% जो है जॉब एलोकेट होगी, आपको पेमेंट मिलेगी और आपका एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि इन तीनों वेबसाइट में आपको बिड मारना पड़ता था, लेकिन फाइवर में आपको कोई बिड मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना एक पैकेज जिसको कहते हैं गिग, आप अपना एक गिग क्रिएट करते हैं, और वो गिग मतलब होता है कि आप ये बताते हैं कि ये मेरी स्पेशलिटी है। अब जैसे ये इसका जो है फाइवर का
मेन सेक्शन है, इसमें आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको गिग्स बनाने पड़ते हैं। गिग्स का मतलब होता है आपका एक पैकेज, जैसे ये एक पैकेज है जिसमें आप कहते हैं कि भाई मैं एक वर्डप्रेस का काम 2 दिन में इतने रुपए में करता हूँ, उस काम में मैं ये करूँगा, या मैं डेटा एंट्री में मेरी स्पीड इतनी है, एक दिन में मैं इतने वर्ड्स टाइप करके आपको दूंगा और इतनी मेरी पेमेंट होगी, और उसके ये काम करूँगा, इसके अलावा अगर आपको ये चाहिए तो इसका ये, तो उसको हम क्या करते हैं, गिग बनाते हैं। गिग एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ गिग का क्या प्रोसेस, इसमें होता क्या। गिग एक सिंपल, ये देखिए आप पहले ओवरव्यू, आप ये बताते हो कि मैं क्या करूँगा, उसमें आप ये बताते हो कि किस कैटेगरी में आपका काम आता है, आप टैग्स डालते हो कि किस टैग्स में आपको सर्च करेंगे, अगर मान लिया आपने डाटा एंट्री का तो यहाँ पर डायरेक्ट डाटा एंट्री डालोगे, जिससे कोई भी बंदा डाटा एंट्री का काम करवाना चाहता है तो वो डाटा एंट्री डालेगा यहाँ पर। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में जाते हो, वहाँ पे आप कहते हो प्राइसिंग की, ये जो मैं काम करता हूँ किस प्राइस पे करता हूँ मैं। फिर आप काम की डिस्क्रिप्शन पूरी डालते हो कि भाई जो ये काम करूँगा उसमें मैं क्या क्या करूँगा, अल्टीमेटली लास्ट में ये ना हो कि जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो बाद में क्लाइंट अगर आपको ये कहता है कि भाई आपको ये भी करना था ये भी करना था, तब ये आपको हेल्प करता है क्योंकि आपने क्लियरली मैंशन कर रखा है। रिक्वायरमेंट्स मतलब आपको काम शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चाहिए होगा, उसके बाद से आप अपना काम जो अभी तक किया है उसमें आप कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करते हो और फिर पब्लिश कर देते हो, उसके बाद से आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद से क्लाइंट आपको सर्च करता है कि भाई ये बंदा जो ये काम कर रहा है, आपको मैसेज आएगा, फिर आप क्लाइंट से बात करोगे, आपको काम मिलेगा, आप उसकी पेमेंट मिलेगी। तो इसका कंसेप्ट इन तीनों से ये है डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आप टोटली बेस्ड जो है वो गिग, गिग मतलब आपने अपना पैकेज बता दिया, उसमें क्या होता है क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है कि मेरे को ये चाहिए, उसके बेस पर लोग बिड मारते हैं। इसमें आपने अपनी बता दी कि मैं ये करता हूँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को बताओ, मैं उसमें कर सकता। तो ये है बेस्ट फ्रीलैंसिंग वेबसाइट, अगर आप इसमें, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि ये वेबसाइट 100% सेफ़ है और आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।